गुड मॉर्निंग गाइस, आज ऋषभ बाबू के चाय के साथ हमारा मॉर्निंग शुरू हुआ है। हमने तो चाय पी लिया, अब ये बेचारा इसका आंख नहीं खुल रहा था। राम राम। राम राम जी सबको। जय श्री राम, जय सिया राम। हाँ तो शिवम बाबू आप क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अब हम जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को गुड मॉर्निंग बोले। तो गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल जी। हमारे लड्डू गोपाल जी का हम दर्शन करा दिए आप लोगों को, तो अब हम क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। मेरा डेली का तो यही काम रहता है। आप लोग भी बोलते होंगे क्या डेली दिखाती है, किचन का डब्बा, किचन का फिल्टर, किचन का फ्रिज, ये क्या करें? दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये जीवन जहर नहीं है, मनुष्य का जीवन है जो बहुत कठिन से बीतता है ना? तो इस जीवन को दुख में भी इंजॉय करें, सुख में भी। सुख में तो इंजॉय होता है, सब कोई करते हैं, लेकिन चैलेंज की बात है कि इस जीवन को दुख में इंजॉय करिए। मजा आता है चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको निभाना। बड़ा अच्छा। ए शिवम, क्या खाएगा आज? सब्जी। सब्जी बैगन बक बोलते बक। तो क्या खाएगा? पनीर। ये लो, इनको सुबह सुबह मैं पनीर बना के दूँ। टाइम है अभी, पनीर के सब्जी में बहुत टाइम लगता है। हल्का सा बनाना पड़ेगा वरना इसका स्कूल कट लेट हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों ने चाय पिया, मेरा तो चाय से ही मॉर्निंग हो गया है। कुछ काम करके फिर मेरा जो डेली का रूटीन रहता है वीडियो का, कभी कभी नहीं भी बना पाती हूँ क्योंकि काम रहता है इतना ना। और काम करने के बाद तो मेरा दोपहर का रूटीन है सबसे बड़ा, सोने का। मैं सोती नहीं हूँ दिन को, तो दिन में फ्रेश फ्रेश नहीं रहती हूँ। सोना तो जरूरी होता है मेरे लिए। दिन को भी सोती हूँ, सुबह भी थोड़ा ज़्यादा देरी सो जाती हूँ। और से अभी ठंडी आया ना, अभी सुबह सुबह उठूँगी ज़्यादा सुबह तो तबीयत भी बिगड़ेगा मेरा, इसीलिए थोड़ा लेट। आइए आप लोग भी चाय पीने। मूड फ्रेश चाहिए। अच्छा चाय बना। तो मैं तो कल वीडियो बनाई नहीं, मतलब ब्लॉग नहीं बनाई। तो आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे ये कंप्लेन भी आया कितनी झूठी है, बोलती है कि वीडियो बनाऊंगी, डेली वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बनाई नहीं। लेकिन कल मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए भी नहीं बनाई। मौका अब सब कुछ मेरा मूड पे रहता है। मेरा मूड गया ना तो फिर मेरा सब कुछ गया, तब मेरा कोई काम नहीं बनता है, कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर आज भी थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, ये सब गर्म हो रहे हैं। फिर भी आज इतना भी ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकती अपने काम। आप लोगों को आवाज़ बहुत आता होगा ना जब मैं ब्लॉगिंग करती होंगी तो, बाहर से गाड़ी वाड़ी का। हाँ, रोड साइड में ही घर है ना, तो बहुत आवाज़ आता है। क्या करेंगे, ये साथ साथ तो आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा। तो अब मैं खाना वाना की तैयारी करती हूँ, मैं फिर से आती हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी चाय पीजिए। Thank you.
मोबाइल चला रहा था तो अभी मम्मी का आवाज़ आया। अब देखिए मम्मी अब आलू वाली से कैसे मोल जोल कर रही है। बस पैसा भी सब से नहीं लो। और अभी टमाटर प्याज मूली सब कुछ लेके आएंगे बोल रही है। मैं सब दिखवा नया नया तरकारी तो जो सबको घर में हमारे हम अपना गाँव चेटा में हमारे पिक्चर 200 में चल गई। हमारे बेटा सब सब फोटो देखते तरकारी बेचे वाला है। हाँ देखिए क्या बोल रही है, हर जगह इनका वीडियो जा रहा है। हम आम तरकारी वाले से तरकारी नहीं खरीदते हैं। 200 में मतलब हमारे ऊना अति सब नहीं अति करिए के भेजा दी है क्या वो तो रोक कर बेची ना अपना गाँव में बेची जाए सर सब रोक कर लेती साइड में बेच वो अच्छी गाड़ी में पति का जी लगे कैमरा लगे तो वो पति का है क्या मालिक बेटा वही में रहे पता जाए वो अपना अपने गाँव के हमारा रूम बेटे के बेची है और ओकरे बेची तो अपनी नकली होती तो कहाल के वो मालिक के बेटा हमारे तो तरकारी वाले के 200 में धा देने आलू प्याज कम अबैय तरकारी कम अबैय आ हमारे आलू प्याज के 300 में धा देने आंटी अपन अथी के कहबे बेटा सबके कि मम्मी के चैनल पर देखे ला के देखब की देखे छी मम्मी के वीडियो बेटा सबके उनके सब्जी दे छिए तो रिंकू इनका सब्जी खाती है ये इनके इनका सब्जी ताजा रहता है एकदम। और कभी कभी ये हमसे बेमानी करके चली जाती है और फिर आती है तो बहुत बात सुनती है क्योंकि जो सब्जी मुझे खाना है ये ला के नहीं देती है टाइम पे मुझे तो इसलिए बात सुनती है। अब ठंडा महीना आया ना तो नया नया सब्जी लेके आएगी ये बोल रही है। नया में सीम ला दिए हो। हाँ सीम लाएगी टमाटर लाएगी मिर्चाई लाएगी अभी आलू लेते हैं। आलू 10 दिन चलेगा इतना आलू दे के चली जाती है फिर जब खत्म होता है तो पता चल जाता है इनको कि अब सब्जी खत्म आलू खत्म हो गया दुकान नहीं जाना पड़ता है। देखिए हमारी तरकारी वाली जो है ना सब्जी वाली कितना स्पेशल है। बम्बई जाएगा फ्लाइट से जाएगा सब्जी दे के चला आएगा बोलती कपड़ा तो देख लेगा अच्छा है। अच्छा तरकारी वाली के वीडियो देखो देखो और अच्छा अच्छा तरकारी खाओ हरा हरा सब्जी हाँ इनको इनका वीडियो वायरल हो जाएगा अब ये अच्छा तरकारी वाली बन जाएगी। हाँ बड़ बढ़िया बड़ फायदा कर छी नहीं कहियो सबके देखियो धात्री फायदा वाला सामान देखियो देखो रंग बिरंग के चीज बना के दे ताजा 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 धात्री धात्री देखो आलू बेचे वाली बिलायती बिलायती धात्री के
ये इससे पहले आलू लेके आई थी, अब दांत भी लेके आई है, इसका अचार मैं बनाऊंगी। तो कहै छै कि इंडिया जा कर बम्बई के टिकट लेबे ना, फ्लाइट से जेतै सब्जी हाँ, ये फ्लाइट से जाएगी सब्जी बेचने। अब ये धात्रिक लाई है, धात्रिक भी इंडिया जाएगी बेचने के लिए, मुंबई प्लेन से जाएगी। देखिए अभी हम लोग धात्रिक खरीद रहे हैं अचार बनाने के लिए, देखो एकदम ताजा गाछ के टूटल हाथ के लोग देखो, देखिए देखो ताजा ताजा हम ले रहे हैं, ये देखिए सब कुछ ताजा लाती है। और मैंने कहा कि पहले मुझे दे के जाना, तब आओ किसी को दे। सब लोग बैठे इंतजार में, इनका बोलने का मतलब है कि सब मुझे बैठे हुए लेने के लिए। और लेकिन अच्छा है, ताजा ताजा, आप लोगों को भी चाहिए तो आ जाना, हम खरीदवा देंगे इनसे, ये हमारे कांटेक्ट में रहती है। चल चलिए चल जाती शाम पड़ गई। देखिए देखते देखते शाम पड़ गई, दिखाएं आपको क्या काम करें, पूरा दिन ऐसे बीत जाता है मेरा, ना किसी से भेंट घाट, ना किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना, शाम हो जाती है, क्या करूं। दिन में थोड़ा देर सोने गई, तो क्यों उठी, मेरी फ्रेंड आ गई रागनी, फिर वो कुछ देर रही तो कुछ देर उसके साथ बैठी। अब क्या करें, यही है जिंदगी हमारी और आपकी। आज शॉर्ट्स नहीं बनाई मैं, आज पूरा दिन थोड़ा फीवर जैसा भी था, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और पूरा माथा वाथा ये सब गर्म था, तो इसलिए नहीं कर पाए कुछ भी। शॉर्ट्स बनाती हूँ ना, तो शॉर्ट्स बनाने के लिए तो रेडी होना पड़ता है ना, देखते हैं आज मैं कितना बुझी हुई हूँ बेचारी, में ठंड भी लग रही है आज, ठंड तो इसलिए लग रही है कि ठंडी का सीजन आ गया है। आप लोगों के शहर में ठंडी है कि नहीं है आप लोग बताइए। और खाना बनाने जा रही हूँ अब शाम का, दिन का तो हो गया, चाय नाश्ता भी हो गया, अब शाम का खाना बनेगा। शाम के खाने में क्या बनाऊँगी ये भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, और चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि वैसे किसी ने अच्छे से कहा था मुझे कि आप भी बोलते हैं लाइक और शेयर, आप भी बोलते हैं, ये तो है। वैसे मुझे अब किसी चीज़ का जो होता है ना जुनून, वीडियो का, ब्लॉगिंग का, कुछ ऐसा खास नहीं लगता है। जब आप मेहनत करो और आपको उस तरीके से रिएक्ट ना मिले, तो रिएक्ट तो मुझे मिलता है, लेकिन मुझे मेरे फेक आईडी वालों ने परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बस उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेरे फेक आईडी वालों के लिए वीडियो बना रही हूँ। टेंशन दे रहे हैं हमें बहुत, कुछ कर रहे हैं अब हम उनके लिए, FIR हुआ है उनको, देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी क्या ही कर सकते हैं, सोचती तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊं डेली, लेकिन कभी कोई आ जाता है घर में गेस्ट वगैरह, चाहे खुद कहीं निकल जाती हूँ तो फिर नहीं कर पाती हूँ। डेली ब्लॉगिंग का भी अलग ही मज़ा होता है, क्या होता है कि हम डेली जो जो घर में बच्चों के साथ करते हैं, घूमते हैं, हंसते खेलते हैं, शरारत करते हैं, तो बच्चे भी इस चीज़ को इंटरटेन करते हैं और हमारा भी वक्त गुजर ही जाता है। वक्त तो मेरा वैसे भी गुजर जाता है, वक्त का पता नहीं चलता है,
पीछे की तरफ चल रही है। हटो 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 हटो, क्या मस्त है ना, किसी चीज से टकराई तो बच्चों के रूम में आ गई। तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ और मैं अब आगे का ब्लॉग जो है ना कल स्टार्ट करूँगी। सोचती हूँ डेली बनाने का, कोशिश करती हूँ, लेकिन जिस दिन ना बने उस दिन आप लोग हमें झूठी मत बोलिएगा, उस दिन सोचिएगा कि रिंकू बिजी होगी किसी चीज़ में इसलिए उनका ब्लॉग नहीं आया। तो आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहिएगा, मुसीबतें बहुत आती है ज़िंदगी में लेकिन हमें उससे लड़ के रहना है, ढीठ बन के लड़ना है ताकि देखते दुख को भी दुख लग जाए आने में हमारे पास, हम दुख को भी दुखी नहीं रहने देंगे, है ना। आप लोग भी यही करिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा, अच्छा ही होगा, ऊपर वाला अपने साथ ही है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं खाना वाना बनाने। तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपने घर में खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, हंसते खेलते रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। आप लोग हमारा तब से खाना मिला कि आप देखिए क्या क्या खाना पका होगा। मम्मी आज खाना क्या क्या पकाया? खाना, अरे यार आलू गोभी की सब्जी बनाई और ये पूरी बनाई। पूरी किसके लिए? सबके लिए। सबके लिए कि मेरे लिए? हाँ आप लोग भी आए। सबके लिए कि मेरे लिए? आपके लिए क्यों, सबके लिए बनाई हूँ। ज्यादा मैं खाऊंगा, अभी ठंडी का महीना आ गया ना, तो अभी ये चावल के आटे की पूरी आलू गोभी की सब्जी तो मैच करती है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और हाँ मन करे तो दही खा सकते हैं। नहीं ठंडा में दही ज्यादा नहीं खाना की। नहीं नहीं खा सकते हैं कि चल पापा के पास वाला खाना। तो अब हमारा खाना बन गया है, हम लोग खाना खाएंगे, सोएंगे और हमारा ब्लॉग भी हो गया लास्ट। मैंने कहा था कि मैं खाना बनाने के बाद एक बार ब्लॉगिंग करूँगी, हो जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग अच्छे से रहिए, आप लोग भी घर में गर्मा गर्म मसालेदार खाना खाइए ताकि गर्म रहे सब। नहीं ज्यादा मसाला नहीं, ज्यादा तेल खाने से खराबी करता है। हाँ मसाला भी ज्यादा खाने से खराबी करता है, लेकिन सबकी अपनी चॉइस है, अपनी टेस्ट है। तो आप लोग अच्छे से रहिए, जय श्री राम और जय जय राम, जय जय राम। तो बाय, मिलते हैं कल।